दोस्तों हाल ही में काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 8 स्टेट में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 63 ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये 63 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पर किया गया है, इन ब्रिजेस की टोटल लागत क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि इन 63 ब्रिजेस से हमारे इंडिया के बॉर्डर पर किस तरह से कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, और एंड में हम देखेंगे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इन ब्रिजेस को लेकर क्या कहा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 63 ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया गया, वो भी एक साथ। वैसे देखा जाए तो ये एक रिकॉर्ड ही है हमारी इंडिया का कि 63 ब्रिजेस का उद्घाटन एक साथ किया गया। यहाँ पर ये 63 ब्रिजेस को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2020 की बात करें तो BRO ने लॉन्च किए थे 44 ब्रिजेस को, और अब एट प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर BRO ने अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर 63 ब्रिजेस को कंस्ट्रक्शन करके एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, जब देश अपनी स्वतंत्रता की 75 एनिवर्सरी मना रहा था उस समय BRO द्वारा कंप्लीट की गई थी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब बात करें इन 63 ब्रिजेस को कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में 11 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जम्मू कश्मीर में 4 ब्रिजेस बनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 6, सिक्किम में 8, अरुणाचल प्रदेश में 29, नागालैंड में 1 और मणिपुर में 1। इस तरह से 63 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किए गए 3 पुल ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ब्रिज दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे जहाँ चाइना बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि पोवारी पुल रोड पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बने आंगी ब्रिज को कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये ब्रिज साल भर बेहतर कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। साथ ही यहाँ पर 5.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किरण खुंदड़ पुल है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पुल से मेंटेनिंग सप्लाई लाइन टू ट्रूप्स बिसाइड इंश्योरिंग एन अनइंटरप्टेड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये प्रोजेक्ट COVID-19 जैसी महामारी के बावजूद भी इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया, और साथ ही यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत की बात करें तो 240 करोड़ है। इन ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन ब्रिजेस से स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी स्टेप ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है, जिससे बाहर से स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की एक्टिविटी में बड़ी कमी आएगी और लोगों के लिए भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है कि जिन ब्रिजेस का उद्घाटन किया गया है वे बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ संबंधित राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 63 ब्रिजेस 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए हैं।